हेलो रामराज संघाला विनंती असेल 12वा खेळाडू इकडे पाठवायचा आहे समालोचन कक्षामध्ये रामराज संघ विनंती असेल चला एक प्रतिनिधी पाठवा तसेच रामराज संघ आपल्याला विनंती असेल आपला क्षेत्ररक्षण सजवून घ्या लगेच सामना चालू करा हॅलो सामना चालू होत आहे आपण सामन्याकडे पाहूया तर पहिले षटक घेऊन येतोय तो म्हणजे सौरभच्या पहिल्या षटकातील पहिल्या चेंडूवर घणाघाती प्रहार आपण पाहतोय जबरदस्त अप्रतिम फटका गगनभेदी गगनचुंबी पहिला षटकार येतोय आकाशच्या माध्यमातून अप्रतिम सुरुवात नवतरुण खानाव संघाची अप्रतिम सुरुवात आपण पाहतोय सलामीचा फलंदाज आकाश गोंधळी आणि त्याच्या जोडीला आपण पाहतोय सिद्धांत ही सलामीची जोडी मैदानात असताना पहिला चेंडू सौरभचा रामराज संघाकडून होता एक उत्तम गोलंदाज म्हणून सौरभची ख्याती आहे परंतु पाहूया दुसरा चेंडूला आकाश दाखवलेलं आहे पाहूया आणि इथे मात्र गलती करतोय आणि इथे काय केलं याला आत्महत्या म्हणतात खराब मी म्हणेन खराब क्रिकेट कारण जीवनदान मिळालं होतं आणि त्या संधीचं सोनं करणं फार गरजेचं होतं कारण जीवनात अशी घडी म्हणजे या जीवनात ही घडी अशीच राहू दे असं म्हणतात परंतु संधीचं सोनं करणं गरजेचं होतं आपण पाहिलं आकाशला संधी मिळाली होती पहिल्या चेंडूवर अप्रतिम फटका तदनंतर मात्र जीवदान होतं आणि इथे रनआउटची संधी मात्र रामराज संघाने सोडली नाही पहिला फलंदाज बाद होतोय तर पाहूया स्ट्राईक एंडवर आपण पाहतोय सिद्धांतला एक अनुभवी क्रिकेटर एक हार्ड हिटर फलंदाज म्हणून सिद्धांतची ओळख दरम्यान या चेंडूचा सामना करताना अप्रतिम फटका लॉंग ऑफ रिझनच्या वरून वन बाउन्स चौकार कम ऑन डीजे धन्यवाद धन्यवाद डीजे तीन चेंडूचा खेळ समाप्त होतोय अर्थात पहिलं षटक चालू असताना धावफळावर धावफलकावर धावा लागतात त्या म्हणजे 11 तर पाहूया पुन्हा एकदा सौरभचा हा चेंडू काय करणार हलकासा अपील पाहायला मिळाला अपील फेटाळला दरम्यान एक धाव बाईच्या स्वरूपात मिळते आणि निश्चितच धावसंख्या झालेली ती म्हणजे 12 कारण सौरभचा विचार केला तर आतापर्यंत सौरभने झालेले जे सामने त्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती परंतु पहिल्या चेंडूवर अप्रतिम फटका पाहायला मिळाला आकाश गोंधळीच्या माध्यमातून त्यानंतर आपण पाहतोय सुंदर अशी फलंदाजी सिद्धांत करतोय यावेळेला स्ट्राईकवर आपण पाहत आहोत साहिलला एक अप्रतिम खेळाडू आपल्या मनगडातला जोर नेहमीच दाखवतो अप्रतिम फ्लिक केला असे फटके आपण अनेकदा मोहम्मद अझरुद्दीनच्या माध्यमातून किंवा राहुल द्रविड व्हीएस लक्ष्मण यांच्याकडून आपण पाहिलं आणि या चेंडूवर मात्र एकच दोन धाव पूर्ण केले का सर दोन धाव पूर्ण ना दोन धावा येतात या दोन धावांच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 1-14 चालू असलेला सामना नवीन आलेल्या प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सांगतोय नवतरुण खानाव बनाम रामराज या दोन दिग्गज संघांमध्ये हा सामना चालू आहे आपण पाहतोय रेड हँड ओव्हर द विकेट मारा करतोय सौरभने टाकलेला हा चेंडू आपण पाहतोय या वेळेला अप्रतिम फटका लॉंग लेग क्षेत्रातून चेंडू बाहेर जातोय सीमा पार चौकार कम ऑन डीजे तत्पूर्वी रसिक प्रेक्षकांना एक खुश खबर आहे 22-23-24 डिसेंबर रोजी नवतरुण स्पोर्ट क्लब खानाव च्या वतीनं रजनी क्रिकेटची स्पर्धा आयोजित केलेली आहे त्याच्यामध्ये 24 संघ ग्रामीण खेळले जातील आणि 8 संघ ओपन अशी ही स्पर्धा असेल तर रसिक प्रेक्षक आणि सर्व संघांना विनंती असेल आपण सहभाग घ्यायचा आहे धन्यवाद
तर आपण पाहतोय दुसरा षटक हाताळण्यासाठी आलेला गोलंदाज मात्र या वेळेला नो चेंडू आणि चौकार फ्री हिट आहे। डीजे धन्यवाद डीजे। दरम्यान या षटकारासाठी 500 रुपयाचा इनाम आहे। खऱ्या अर्थाने मित्रांनो अनाउंसमेंट करायला सुद्धा वेळ मिळाला नाही, परंतु अर्णव केबल यांच्या माध्यमातून या षटकारासाठी 500 रुपयाचा पारितोषिक आहे। वेल डन, तर धन्यवाद देतो हेमंत पाटीलला मी। प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपयाचं पारितोषिक असेल अर्णव केबल यांच्या माध्यमातून, म्हणजे आपला हेमंत पाटील भाऊ यांच्या माध्यमातून। मित्रांनो आपण पाहतोय महाराष्ट्रात ही सर्व ठिकाणी स्पर्धा पाहिली जाते, अप्रतिम अशी स्पर्धा। दरम्यान अप्रतिम अशी फलंदाजी सुद्धा नवतरुण खानावच्या माध्यमातून पाहतोय। सिद्धू दिवकर कमबॅक करतोय, मात्र एक धाव मिळते एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 30 धावा। धाव फलकावर लागले आहेत। अप्रतिम सामना, दोन्ही संघ तुल्यबल आहेत, दोन्ही दादा संघ आहेत, आणि याच्यामध्ये असलेले जे फलंदाज आपण पाहतोय नवतरुण खानाव संघाचे ही जबरदस्त जोडी आहे। दरम्यान चेंडू पाहूया, वन बाउ सीमा पार जातोय, जबरदस्त फटकेबाजी आपण मैदानात पाहतोय सिद्धांच्या माध्यमातून नवतरुण खानाव संघासाठी। साहिलनी मारला का सर? साहिलच्या माध्यमातून येतोय, सॉरी। तर आपण पाहूया या चौकाराच्या साह्याने धाव संख्या वाढते। थोडासा अंधार पडत चाललाय, वेळ वाया घालवू नका, आपल्याला एक विनंती असेल। दोन्ही संघ मात्र आपण पाहतोय, दोन्ही संघामध्ये जी असलेली ताकद आहे ती मात्र आपल्याला पाहायला मिळते। कारण या गोलंदाजचा विचार केला तर मागच्या सामन्यामध्ये अप्रतिम गोलंदाजी केली होती, इथे मात्र सुरेख फटका। आणि या चेंडूला किती धावा मिळणार? न्याय मिळतोय, अप्रतिम फटका पुन्हा एकदा चौकार येतोय। सुंदर अप्रतिम, धन्यवाद। तर आपण मित्रांनो ही जी मॅच आहे ही जलगाव मध्ये पाहिली जाते आणि तिथून हे बक्षीस मात्र दिलं जातंय। सन्माननीय गोंडली साहेब त्या ठिकाणी मॅच पाहत आहेत, त्यांना सुद्धा मी धन्यवाद देतोय। दरम्यान खोलवर टप्प्याचा चेंडू, क्रिकेट मधलं ब्रह्मास्त्र वापर केला जातोय, परंतु एक धाव मिळते बाईच्या स्वरूपात आणि एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या वाढते। धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 39। दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू घेऊन गोलंदाज तयार होतोय। या वेळेला पुन्हा एकदा नेत्रदीपक फटका, अप्रतिम फटका, सुरेख फटका, डोळ्याचे पारणे फिटतील असे फटके पाहायला मिळाले साहिल आणि सिद्धांच्या मध्ये। वेल डन, कमांड डीजे एक संधी देतो। धन्यवाद। तर मित्रांनो आपण पाहतोय या सामन्याचं खऱ्या अर्थानं जर वर्णन करत होतोय मी निलेश पाटील, परंतु मित्रांनो आज हे सामने महाराष्ट्रामध्ये पाहिले जातात। आज गोंधळी अप्पा या खऱ्या अर्थानं या सामन्याचं तेवढ्या लांबून खरोखर पाहतायत, आणि त्याचबरोबर हेमंत पाटील सर्व सहकारी त्यांच्या बरोबर असताना मी त्यांना धन्यवाद देतोय। वारंवार त्यांचा फोन येतोय, कारण आप्पांना क्रिकेटची खूप आवड आहे। मित्रांनो आपल्याकडे रजनी क्रिकेट आपल्याला कुणी दाखवला, नाईट ओरमचे सामने कुणी दाखवले, तर ते अनंत गोंधळी साहेब आहेत, त्यांना मी धन्यवाद देतोय। कारण या विभागामध्ये त्यांनी एक सामाजिक कार्य चालू केलं, त्याचबरोबर राजकीय वाटचाल सुद्धा अप्रतिम आहे त्यांची, त्यांना धन्यवाद देतोय। पुन्हा एकदा मैदानाकडे वळतोय, राईट हँड वरती विकेट मारा करतोय। या वेळेला चेंडू जर आपण पाहिला तर बॅट्समन घुसून खेळण्याचा प्रयत्न करत होता। गोलंदाज आहे सौरभ दिवकर, शेवटचं षटक हाताळतोय। पाहूया संघनायकाने सौरभच्यावर जो विश्वास दाखवला। पहिला चेंडू मात्र निर्धाव, अप्रतिम चेंडू होता आणि फलंदाजाने मारण्याचा प्रयत्न केला साहिलने, चेंडू बॅटच्या पट्ट्यात आला नाही, उर्वरित काम कीपर चोक बजावतोय। पाहूया पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू, 8-10 पावलांचा रनअप घेऊन पॅव्हलियन एंड कडून मारा करतोय। पाहूया कोणत्या प्रकारचा हा चेंडू असेल। इथे खासियत आपण पाहतो, मिड विकेट क्षेत्राच्या वरून चेंडू जातोय सीमापार, षटकार, कमांड डीजे।
चला कमन तर आपण पाहूया चेंडू आला का। धाव संख्या 49 झालेली आहे। अप्रतिम फलंदाजी डोळ्याच्या पारणे फिटील अशी फलंदाजी आपण या मैदानात पाहतोय। रसिक प्रेक्षकांना जी अपेक्षा होती आतापर्यंत जर आपण पाहिलं विचार केला तर नवतरुण खानाव संघ आपला बोलबाला दाखवतोय या मैदानात। पुन्हा एकदा पुढचा चेंडू घेऊन स्लोअर वन स्लोन वरचा अंदाज घेतला मात्र साहिलने आणि इथे मात्र स्ट्राईक रोटेट होते। पाहूया काय करणार फलंदाज बाद हॅलो। तर आपण पाहूया इथे मात्र सिद्धांची खेळी समाप्त झाली। त्याची जागा भरून काढण्यासाठी येतोय मुन्ना। शेवटचे 3 चेंडू असतील। पाहूया गोलंदाज मात्र कंबर कसतोय। या चेंडूला पुन्हा एकदा गगनभेदी गगनचुंबी मारलेला फटका झेल खाली पापा येतोय आणि पापा चुकी करतोय। सोफा झेल मात्र सुटला जातोय आणि जीवनदान मिळलं जाते ते साहिलला। धावसंख्या 52 झालेली आहे। आपण पाहतोय धावपळकावर 3 षटकांचा सामना शेवटचे 2 चेंडू बाकी आहेत। पाहूया टू बॉल टू गो। स्ट्राईक एंडवर पुन्हा एकदा आपण साहिलला पाहतोय। षटकारांचा बादशाह अप्रतिम फलंदाजी करतोय उजव्या हाताने खेळतोय। इथे मात्र मनगटातील ताकद पाहायला मिळाली। अप्रतिम फटका सुंदर फटका नेत्र दीपक फटका आपण पाहतोय। 6 धावांच्या मदतीने धावसंख्या मात्र जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 58। सज्ज पुन्हा एकदा आपण पाहतोय साहिल अप्रतिम असा हा सामना आपण पाहतोय। कारण बॅटिंगचा विचार केला तर जबरदस्त बॅटिंग पाहायला मिळाली साहिलच्या माध्यमातून। पाहूया पुन्हा एकदा या शेवटच्या चेंडूचा सामना करताना एक धाव पूर्ण केली दुसरीचा प्रयत्न होतोय आणि फलंदाज मात्र बाद होतोय। एक धाव पूर्ण झालेली आहे। एका धावेच्या मदतीने धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती म्हणजे 3-59। तर मित्रांनो नाणेफेक जिंकली। रामराज संघाने थोडासा निर्णय मला वाटते त्यांच्या अंगलट आलेला दिसतोय। कारण क्षेत्ररक्षण करणं हे गरजेचं होतं परंतु गोलंदाजी खराब झाली आणि प्रथम फलंदाजी करताना नवतरुण खानाव संघाने धावफळकावर धावा लावल्यात त्या म्हणजे 59। तर मित्रांनो यापुढील समालोचनासाठी मी घेऊन जातो तुम्हाला आपल्या विभागातील आपल्या अलिबाग तालुक्यातील रायगड जिल्ह्यातील गोड आवाज यासिन मर्चंट सर। धन्यवाद। धन्यवाद निलेश। 3 षटकांचा सामना आणि कोणीही प्रेडिक्शन किंवा अंदाज वर्तविला नसेल की अशा प्रकारची फलंदाजी होईल। कारण आपण 5 षटकांचे सामने पाहिले 4 षटकांचे सामने पाहिले इथे धावा होत नव्हत्या। संध्याकाळची वेळ आहे सूर्य अस्ताला गेलेला आहे आणि तरी सुद्धा या क्लायमेट मध्ये आपण पाहतोय वातावरणामध्ये थोडीशी नमी आहे थोडासा थंडावा इथे जाणवतोय आणि चेंडू साइड करणं सुद्धा या क्लायमेटमध्ये सोपं नाहीये। अशा परिस्थितीमध्ये अफलातून अप्रतिम इथे फटक्यांची मेजवानी आपल्याला पाहायला मिळाली। हेमंत पाटील यांच्यातर्फे 1500 रुपये इथे जमा झालेले आहेत। अर्णव केबल यांच्या माध्यमातून 3 षटकारांसाठी 1500 रुपये जमा झालेले आहेत। धन्यवाद हेमंत पाटील आर्यन केबलचे मालक। सामना पुन्हा एकदा आपण लवकरात लवकर सुरू करूया कारण जवळजवळ 6 वाजण्यासाठी फक्त 5 मिनिटे शिल्लक आहेत। 18 चेंडू आणि 60 धावांची गरज। 20 धावांच्या सरासरीनं इथे धावा जमवायच्या आहेत। सोपं नक्कीच नाहीये परंतु क्रिकेटमध्ये अवघड सुद्धा काहीच नसतं कारण आपण आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये अनेक उच्चांक धावसंख्येचे पाहिलेले आहेत आणि ते ब्रेक होताना सुद्धा पाहिलेले आहेत। तो चलिए दोस्तों फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं। किफायत पटेल और उसी के साथ उनके साथी बल्लेबाज सौरभ तांडेल। सौरभ तांडेल को अब अपनी काबिलियत यहां पे दिखानी होगी। उसी के साथ
मैंने लास्ट मैच में भी कहा था कि ये नेचुरल विकेट, मिट्टी की विकेट है, इस वजह से थोड़े से झूंझ रहे हैं, थोड़े से तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं किफायत। मगर इस पर दबा पहली गेंद पर, आओ देखा ना ताओ, और इस गेंद को खेल दिया वाइड इश मिड ऑफ सीमा रेखा के बाहर। चार रनों के साथ शुरुआत। धन्यवाद डीजे, चौके के साथ शुरुआत की है। पॉजिटिव अप्रोच, आपकी सोच क्या है, आप इस मैच को जीतना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है। मगर इस मरतबा दूसरा शॉट भी बढ़िया था, मगर जाल बुना था, उस जाल में फंस गए किफायत पटेल। एक चौके के बाद फौरन मैदान से बाहर। धन्यवाद डीजे मास्टर। किफायत पटेल आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज पिंटिया। पिंटिया के ऊपर सभी की निगाह होंगी क्योंकि पिंटिया ने आज काफी मनमोहक ऐसे बल्लेबाजी की है, बहुत ही अच्छे स्ट्रोक खेले हैं, कम से कम दो तीन बड़े स्ट्रोक लगाने होंगे। जी हाँ, लोअर फुल टॉस गेंद थी, उसे खेला था मिड विकेट की दिशा में और निशाना लगाया था, मगर यहाँ पे बाल बाल बच गए पिंटिया। निशाना अगर सही होता तो ये रनआउट होने का खतरा साफ मंडरा रहा था। एक रन यहाँ पे मिला, मगर एक रन से काम नहीं बनेगा, हर ओवर में 20 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं, ये आसान तो नहीं है मगर मुश्किल भी नहीं। जी हाँ, मगर गेंदबाज कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाजों को बिल्कुल यहाँ पे बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं, किसी भी तरह का रूम नहीं। तेज तर्रार गेंद, सटीक निशाने पे, सही लंबाई, सही दिशा, और इसी वजह से बल्लेबाज पूरी तरीके से यहाँ पे निष्प्रभ दिखाई दे रहे हैं। 5 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। अच्छी शुरुआत करने के बाद किफायत पटेल आउट हो चुके हैं और यहाँ पे गेंदबाज बहुत ही कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। अच्छा कमबैक, स्लोवर वन गेंद, मगर उसे पढ़ नहीं पाए थे, फुल टॉस थी, मिस टाइम कर गए सौरभ तांडेल और इस वजह से मात्र एक रन मिलेगा। जैसे मैंने अभी कहा कि एक एक रन से काम नहीं बनेगा, यहाँ पे हर ओवर में कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक की दरकार, कम से कम 3 बड़े स्ट्रोक यानी 2 छक्के और 1 चौका अगर आता है तो यहाँ पे काम बन सकता है, या 3 छक्के आना बहुत ही जरूरी। इस ओवर में मात्र 1 चौका हमें देखने को मिला। इस बीच अपने लाइन से भटके ऑफ स्टंप के बाहर जाने वाली गेंद, अंपायर जी ने उसे वाइड करार दिया, वाइड के रूप में 1 अतिरिक्त रन यहाँ पे मिलेगा और अतिरिक्त रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा, 7 रन स्कोर कार्ड पर 1 विकेट के नुकसान पर। पहला ओवर प्रगति पर, 3 ओवर का यह मुकाबला। जी हाँ, ऊंचाई ज्यादा मगर ये लंबाई कम दिखाई दे रही है। उस गेंद के नीचे मनीष ने बहुत ही अच्छी दौड़ लगाई थी, मगर अंतिम तह हम देख सकते हैं उस गेंद को पकड़ने में असफल रहे, गेंद उनके हाथों से टॉस हुई, 2 रन इस स्ट्रोक के ऊपर मिलते हुए। देखते देखते पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है, 9 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां से जीतने के लिए 12 गेंदों में 51 रनों की जरूरत। मुझे याद आता है वो हसीबरा का मैदान और वो टूर्नामेंट जहां पे रिलायंस नवगांव को 12 गेंदों में 52 रनों की जरूरत थी और विनोद वाटकरे और निखिल कवड़े ने वो 12 गेंदों में 51 रन बनाए थे। मुझे याद आता है काशीद का वो टूर्नामेंट जहां पे 12 गेंदों में 51 रनों की जरूरत थी और वहां पे निशांत कड़वे ने वो 51 रन बनाए थे। जी हाँ, मगर यहाँ पे सटीक निशाने पे गेंद, सौरव के पास कुछ चारा नहीं है, कारपेट के सहारे उन्हें कॉपी बुक स्टाइल के साथ सीधे बल्ले से खेला था 1 रन के लिए। बहुत ही अच्छी फील्डिंग, 1-1 रन से काम नहीं बनेगा ये बल्लेबाज भी जानते हैं, मगर करे तो क्या करे, उनके पास कोई चारा नहीं, कोई ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे 11 गेंदे बची है, 50 रनों की जरूरत। जी हाँ, उछाल कर खेला है, ये गेंद क्या क्लियर कर सकती है सीमा रेखा को, जी नहीं, डीप मिड विकेट में बहुत ही बढ़िया कैच, लपकने में कामयाब और इसी के साथ पिंटिया मैदान से बाहर।
धन्यवाद डीजे। देखिए इसीलिए अक्सर हम टॉस जीतने के बाद फील्डिंग करने का निर्णय लेते हैं और वो निर्णय कभी कभी कितना गलत होता है। अब यहाँ पे देखिए बल्लेबाजों के ऊपर पूरी तरीके से दबाव हमें साफ झलक रहा है। बल्लेबाज करे तो क्या करे, क्योंकि गेंदबाजों ने निराश किया, गेंदबाजों ने बहुत सारे रन खर्च किए और इसी वजह से इस बुरी हालत में फंस चुके हैं रामराज की टीम। वाह वाह कमाल की धार, गेंदबाजी में धार और यहां पे चढ़ रही है। लाजवाबी यॉर्कर साहिल के जरिए से बल्लेबाज के पास कुछ भी मौका नहीं था इस गेंद को खेलने का। खेलने का प्रयास जरूर किया था मगर नाकाम रहे। जी हां फिर से एक बार आगे आकर खेलने की कोशिश की मगर आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, गेंद बहुत ही बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने इसे वाइड करार दिया। एक रन तो जरूर मिलेगा मगर जब तक बल्ले से छक्का नहीं पड़ता तब तक इस मैच में बिल्कुल रंग नहीं आएगा। जी हाँ इसमें दबा, फिर से एक बार बाउंसर की कोशिश। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी मगर टप्पा खाने के बाद कंधे की ऊंचाई तक उठी थी और थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ बल्लेबाज को चकाती हुई निकल गई विकेट कीपर के दस्तानों में। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, पहले तो बोर्ड पर रन बनाए, शानदार बल्लेबाजी की, हर एक बल्लेबाज ने अपना काम तमाम किया और अब यहाँ पे गेंदबाजों ने भी बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी करते हुए पूरी तरीके से इस मैच के ऊपर अपनी मजबूत पकड़ प्रस्थापित की है। इस मैच को अब रामराज को जीतना बहुत ही मुश्किल होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ अच्छा स्ट्रोक जरूर है मगर वहां पे फील्डर तैनात मनीष वहां पे मौजूद, बहुत ही अच्छी फील्डिंग मनीष की। एक ही रन यहाँ पे मिलेगा और इस एक रन के साथ रनों की संख्या में तब्दीली, 13 रन हो चुके हैं मगर सफर बहुत लंबा है, दिल्ली अभी बहुत दूर है। यहां से अगर जीतना है तो एक के बाद करारे प्रहार करने पड़ेंगे। देखिए एक एक रन पर ही बल्लेबाजों को संतुष्ट रख रहे हैं गेंदबाज, इससे ये साफ झलक रहा है कि गेंदबाजी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की यहाँ पे हो रही है, सटीक निशाने पे गेंदबाजी हो रही है। किसी भी तरह से ओवर पिच गेंद नहीं, फुल टॉस गेंद नहीं, लेग स्टंप पर फुल गेंद नहीं है, कभी गुड लेंथ और उसी के साथ कभी हार्ड लेंथ और कभी यॉर्कर, परफेक्ट लाइन एंड लेंथ के साथ गेंदबाजी करते हुए, कभी ऑफ कटर कभी लेग कटर और अब 6 गेंदें बची है। 6 गेंदों में 47 रन यानी असंभव। यानी मात्र औपचारिकता बची है, गेंद हवा में और यह आसान सा कैच, गलती बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि आत्मविश्वास से लबालब भरे हुए एनएससी नवतरुण खानाव, नवतरुण खानाव के अप्पा गोंधली और उसी के साथ जितेंद्र गोंधली, इनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम होगी क्योंकि इन्हीं के बदौलत हम देख सकते हैं इस इलाके में सबसे पहले नाइट टूर्नामेंट का आयोजन किया, गया और इन खिलाड़ियों को खेलने का हर वक्त मौका उनके जरिए से दिया गया और आज देखिए उनकी टीम बहुत ही मजबूत स्थिति में, गेंदबाजी हो बल्लेबाजी हो क्षेत्र रक्षण हो हर तरफ अपने झंडे उन्होंने गाड़े हैं, अपने परचम को लहराया है पूरी तरीके से मुकम्मल। मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि उन्होंने इस इलाके से बाहर निकलकर अलीबाग तहसील में विलेज टू विलेज जहां पे भी टूर्नामेंट होता है वहां पे आना बहुत ही जरूरी है, अपने खेल का प्रदर्शन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि बाहर अगर आप खेलोगे तो आपको अनुभव होगा, अलग अलग गेंदबाजों के सामने खेलने का मौका मिलेगा, आपका आत्मविश्वास वहां से बढ़ेगा, आपका नाम होगा। मगर यहां पे एसोसिएशन के मैचेस में थोड़े से वो बिजी रहते हैं और इसी वजह से बाहर निकलने का मौका उन्हें नहीं मिलता, यही थोड़ा एक चिंता का विषय है क्योंकि आपको अगर बड़ा बनना है सिद्धू तो बाहर तो निकलना पड़ेगा। हमने देखा कि महार से बाहर निकलकर योगेश पेंडकर पूरे विश्व में किस तरह से छाए हैं क्योंकि उस खिलाड़ी का पूरी तरीके से मैंने प्रवास देखा है, उस खिलाड़ी को एसटी से सफर करते हुए मैंने अपने आंखों से देखा है। जब 12वीं 12वीं में वो पढ़ाई कर रहे थे तभी से वो एसटी में प्रवास कर रहे, तभी उनके पास बाइक भी नहीं थी, आज वो 4-व्हीलर में एरोप्लेन में भी जाते हैं क्योंकि उन्होंने सफर किया है, उन्होंने हर मैदान पर हर तहसील में हर गांव में जाके क्रिकेट को खेला है।
है, क्रिकेट का अनुभव किया है, एक्सपीरियंस लिया है और आज एक सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज और एक सर्वश्रेष्ठ कैप्टन के रूप में उभर के आए हैं। जी हाँ, देखिए मात्र औपचारिकता बची थी, इस मैच में इस मैच को जीत लिया है एनएससी अर्थात नव तरुण खानाव टीम ने। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत मुबारक, आने वाले टूर्नामेंट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं।